संदिग्ध परिस्थिति में हुई युवक की मौत, परिजनों ने जिला अस्पताल के डॉक्टर पर लगाया गंभीर लापरवाही का आरोप, किया हंगामा। शिवपुरी जिला अस्पताल में रविवार की रात एक मरीज को संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने जिला अस्पताल में पदस्थ ड्यूटी डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने परिजनों को समझाइश देते हुए हंगामे को शांत कराया। जानकारी के अनुसार शहर के संजय कॉलोनी में रहने वाले सुरेश रजक पुत्र ठाकुर लाल रजक उम्र 45 साल को रविवार को रात 10:30 बजे घबराहट हुई थी, जिसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां 11 बजे उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं और इस दौरान जमकर हंगामा भी किया, जिसकी सूचना कोतवाली थाने पुलिस में दी गई है, जहां पुलिस ने मृतक के परिजनों को पीएम कराने की बात कही तो परिजन राजी नहीं हुए, जिसके बाद रात 12:30 बजे पुलिस की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए और शव को लेकर घर की ओर रवाना हुए। नियम तो करवा रहे अपनी आगे।